कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर का 2016 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मेथागॉम और मेथागॉम आप लोगों के लिए लेके आ गया है इस महामारी के बीच में एक नई लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करेंगे जो माइक्रो प्रोसेसर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करने करेंगे और वो सोल्व करके मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे उसको सोल्व करना है और क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है और उसके पीछे का क्या कंसेप्ट है। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग क्वेश्चन को लिखने के लिए और कंसेप्ट को लिखने के लिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर का 2016 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज आपको अच्छे से मिलते रहे। और मेथागॉम पर हम प्लान कर रहे हैं कि काफी वीडियोज लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स से, जिससे इस परेशानी के वक्त में आपकी काफी हेल्प हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर का सब्जेक्ट है ये इलेक्ट्रिकल में है, सीएस में है और इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तीनों ब्रांच के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है तो इलेक्ट्रिकल में इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे या सीएस में इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। कोर्स जो है लगभग सेम है तो इधर उधर क्वेश्चन वेरी होंगे और ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं तो यही क्वेश्चन इधर उधर वेरी होकर 2020 में भी आने वाले हैं। तो क्वेश्चन के कंसेप्ट को लिखने के लिए मैं वापस कह रहा हूँ कि आप पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए ताकि कंसेप्ट को आप नोट डाउन कर सकें और बीच बीच में वीडियो पॉज कीजिएगा और कंसेप्ट को इजीली नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज सेट टू बी नॉर्मलाइज। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है या फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ये इस तरह का होता है, जैसे हमने पढ़ा है डेसिमल में 13.25 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो कैसे रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को उधर भेज देता है 10 की पावर में, पॉइंट नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे दो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे दो जीरो आ जाएंगे, वो कहाँ चला जाएगा 10^-2 में चला जाएगा। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन जो कहलाता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। इसमें ये वाला पार्ट कहलाता है मेंटिसा और ये वाला पार्ट कहलाता है एक्सपोनेंट। ये कहलाता है मेंटिसा और ये वाला पार्ट कहलाता है एक्सपोनेंट। और नॉर्मलाइज फॉर्म में अगर फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसका मेंटिसा क्या होना चाहिए, मेंटिसा का मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो वो क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में होगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा फ्लोटिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जो हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते थे वही फ्लोटिंग पॉइंट है। डेसिमल के नंबर को हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडी पिन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इज यूज टू। जब माइक्रोप्रोसेसर का पिन डायग्राम हम बनाते हैं तो रेडी पिन उसमें दिखाई देती है। रेडी पिन का क्या यूज है, रेडी पिन का जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि यह माइक्रोप्रोसेसर के साथ स्लो पेरिफेरल डिवाइसेस या स्लो मतलब स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंटरफेस करने का काम करती है। माइक्रोप्रोसेसर के साथ स्लो पेरिफेरल डिवाइसेस या स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंटरफेस करने का काम कहाँ से होता है, रेडी पिन से होता है। अगर माइक्रोप्रोसेसर ने डाटा भेज दिया और सामने वाली जो डिवाइस है वो डाटा एक्सेप्ट अभी नहीं कर पा रही है, वो कुछ और काम में बिजी है, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, रेडी पिन को लो रखेगा। जैसे ही पेरिफेरल डिवाइस डाटा एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल हो जाएगी तो रेडी पिन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो वो तब तक क्या करता है, जब तक वो रेडी पिन माइक्रोप्रोसेसर हाई नहीं होती है तब तक माइक्रोप्रोसेसर कौन से स्टेट में रहता है, वेट स्टेट में रहता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस टू वेट स्टेट। तो रेडी पिन का क्या यूज है, माइक्रोप्रोसेसर में वेट स्टेट को इंट्रोड्यूस करने का यूज रेडी पिन का है। आगे देखो, आगे शेडो एड्रेस विल एग्जिस्ट इन। मेमोरी को जब इंटरफेस करता है तो दो तरह के डिकोडिंग का यूज करता है, एब्सोल्यूट डिकोडिंग और लीनियर और पार्शियल डिकोडिंग का। लीनियर और पार्शियल डिकोडिंग सेम है। एब्सोल्यूट डिकोडिंग में क्या होता है, जो मेमोरी इंटरफेस करने के बाद जैसे A0 से A12 तक की में एड्रेस लाइन यूज हो गई और 13, 14, 15 बची, तो 13, 14, 15 को डिकोडर में जान डाल के वो क्या करता है, चिप सेलेक्ट सिग्नल्स वहां से जनरेट करवाता है। और पार्शियल डिकोडिंग में क्या करता है, जैसे 13, 14, 15 बची हुई है तो उसमें से केवल एक को ही यूज करेगा, एक एड्रेस लाइन 15 को यूज कर लिया और उससे क्या कर दिया, उसने दो चिप सेलेक्ट सिग्नल जनरेट करवा दिए। तो शेडो एड्रेस कहाँ जनरेट होता है, पार्शियल डिकोडिंग में जनरेट होता है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड यूज इन इंस्ट्रक्शन MOV C, M। अब 5 तरह के एड्रेसिंग मोड होते हैं, जब मैं थ्योरिटिकल क्वेश्चन पूरा सोल्व करूंगा तो उसमें बता दूंगा 5 तरह के एड्रेसिंग मोड होते हैं, उनको हर एक एड्रेसिंग मोड को पहचानने की एक ट्रिक है। आप उस एड्रेसिंग मोड को पहचानने के लिए इंस्ट्रक्शन में को देख के ही पता कर सकते हैं कौन सा एड्रेसिंग मोड अप्लाई हो रहा है। तो इस वाले इंस्ट्रक्शन में हमें M दिखाई दे रहा है। M का मतलब मेमोरी होता है और जिस भी इंस्ट्रक्शन में हमें कैपिटल M दिखाई देगा
वहां पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज हो रहा होगा। कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज होगा? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज हो रहा होगा। तो इसका आंसर बी है। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़े। आगे क्या कह रहा वो, द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर बिफोर सी एम ए इंस्ट्रक्शन इज ए फाइव एच, ये एस नहीं है, फाइव है, सी एम ए। ये सी एम ए इंस्ट्रक्शन क्या करता है, लिख लो इसे, सी एम ए करता है कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट वो फाइंड करके आपको वापस एक्यूमुलेटर में सेव करा देता है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में क्या पड़ा हुआ है, ए फाइव। ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए मतलब 10, 10, 10, 10, ए मतलब 10 क्या हो गया, 10, 10, 10, 5 का मतलब 0, 1, 0, 1, ये क्या हो गया 5। तो ये ए फाइव अभी एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है, उसका क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप लोग जानते हो, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि 1 को 0 बना देना और 0 को 1 बना देना। तो ये 10 बन जाएगा, ये 01 बन जाएगा, इसी तरह ये 10 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है मेरे को, 0101 और 1010, मतलब 5AH। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। हर एक इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन का क्या यूज है, क्या उसके सिंटेक्स है। आगे बढ़ो, आगे हमें क्या दिखाई दे रहा है, आगे हमें दिखाई दे रहा है कि द फ्लैग स्टेटस डेट कैन बी सेट बाय डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज। अब पांच तरह के फ्लैग होते हैं हमारे पास, पांच तरह के 8085 में फ्लैग होते हैं, उसमें से ऐसा कौन सा फ्लैग है जो इंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली सेट होता है। दो तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन होता है एस ई टी, एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है एस ई और टी, और एक होता है सी एल सी। तो ये क्या करता है, सेट इंस्ट्रक्शन करता है कैरी फ्लैग को सेट करने का काम, CLC इंस्ट्रक्शन करता है कैरी फ्लैग को रीसेट करने का काम करता है। तो कैरी फ्लैग को सेट करने का काम कौन करता है, सेट इंस्ट्रक्शन करता है। तो इसमें ऐसा कौन सा फ्लैग है जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है, वो है कैरी फ्लैग। तो इसका आंसर हो जाएगा C1। अब वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, माइक्रोप्रोसेसर स्पीड डिपेंड्स ऑन मैनली। माइक्रोप्रोसेसर स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डाटा बस से हम क्या डिसाइड करते हैं, 2 की पावर 8 से कितनी इनपुट आउटपुट लाइन्स उसके साथ इंटरफेस की जा सकती है, एड्रेस बस से क्या डिसाइड करते हैं 2 की पावर 16 से मेमोरी कैपेसिटी माइक्रोप्रोसेसर की कितनी है, और क्लॉक से हम क्या डिसाइड करते हैं, क्लॉक मतलब क्या होती है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड, मतलब वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी से क्या डिसाइड होगी, माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड डिसाइड होगी। तो अभी तक आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बनता है, और एक कमेंट जरूर बता दीजिए कि आपको और किस तरह के वीडियोज चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें एक पूरा का पूरा प्रोग्राम दे दिया है, इस प्रोग्राम को हमें सोल्व करके आंसर बताना है। थोड़ा सा लेंदी हो गया ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, बट देख लेते हैं इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि MVIA 45H मूव इमीडिएट, ए में एक्यूमुलेटर में हमने 45H को क्या किया है, मूव किया। तो ए में अभी क्या पड़ा हुआ है, 45H पड़ा हुआ। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का यही तरीका होता है, ए में 45 पड़ा हुआ, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो बाइनरी में क्या ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 4 का हम लिखेंगे 0100, 5 का 0101। फिर वही कह रहा है ए वाला कंटेंट कहाँ मूव करा दिया मैंने, बी में मूव करा दिया। तो बी में अभी क्या पड़ा हुआ है, 45H। फिर क्या कह रहा है, एसटीसी जो अभी मैंने ऊपर बताया था, एसटीसी क्या करता है, कैरी फ्लैग को सेट कर देता है, और सीएमसी क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग कर देगा, क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर ए आर क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को राइट में रोटेट कर देगा। तो राइट वाला जो बिट है एक्यूमुलेटर का 1, ये तो सबसे पीछे आ जाएगा रोटेट होके, और ये सारी बिट शिफ्ट हो जाएगी एक एक। ये कहाँ रोटेट होके आ गया, ये इस तरह रोटेट होगा, ये वाला तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये सारी बिट एक एक बिट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 1 तो आगे आ गया, ये सब इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, ये बन गया ए और ये 2 बन गया, क्या बन गया, ए 2। अब भी एक्यूमुलेटर में ए 2 पड़ा हुआ। फिर क्या कह रहा है, एक्स आर ए बी, ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन करता है कि ए और बी के बीच में एक्सोर ऑपरेशन कराएगा। क्या कराएगा, ए और बी के कंटेंट के बीच में एक्सोर ऑपरेशन कराएगा। ए में क्या पड़ा हुआ मेरे पास 10, ए 2, और बी में क्या पड़ा हुआ 45, इनमें एक्सोर ऑपरेशन कराया। अब एक्सोर ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल, एक्सोर की ट्रुथ टेबल देखने जाओगे तो एक्सोर की ट्रुथ टेबल क्या कहती है, एक्सोर की ट्रुथ टेबल कहती है कि अगर सिमिलर डाटा है
ए और बी दोनों में सिमिलर है तो वह आउटपुट जीरो देगा, अगर डिससिमिलर है तो आउटपुट हाई देगा। सिमिलर पे जीरो आउटपुट देता है, डिससिमिलर पे हाई आउटपुट देता है। तो सिमिलर यहाँ पे जब इसको कंपेयर करोगे बी के साथ तो यहाँ क्या है, जीरो वन डिससिमिलर हाई आउटपुट, वन जीरो डिससिमिलर हाई आउटपुट, जीरो वन डिससिमिलर हाई आउटपुट, जीरो जीरो सिमिलर लो आउटपुट, ये रहा। फिर जीरो जीरो सिमिलर लो आउटपुट, फिर वन जीरो डिसिमिलर हाई आउटपुट, फिर जीरो वन डिसिमिलर हाई आउटपुट, वन जीरो डिसिमिलर हाई आउटपुट। तो मुझे क्या मिल गया, ये आउटपुट अब ए में मिल गया। अब इसको पढ़ोगे तो आप क्या मिलेगा, आठ चार बारह और दो चौदह ई सेवन, तो आंसर क्या आ रहा है, डी वाला। इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का यही तरीका है कि एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते चलो और इंस्ट्रक्शन आपको पता है क्या कर रहा है तो आप एग्जीक्यूट कर लोगे, आसान है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या दिखाई दे रहा है हमें, नाइन्थ क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रेप। ट्रेप क्या है, एक इंटरप्ट है, पांच तरह के इंटरप्ट होते हैं, उसमें से एक इंटरप्ट क्या है, ट्रेप है। ट्रेप की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है और इसमें दोनों तरह की ट्रिगरिंग होती है, लेवल ट्रिगरिंग भी होती है और एज ट्रिगरिंग भी होती है। एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग क्या है, ये आप लोग डिजिटल में लास्ट वाली फ्लिप फ्लॉप वाली यूनिट में पढ़ते हैं, और अगर आपको समझना है तो मैं आप लोगों को जब थ्योरिटिकल पढ़ाऊंगा तो उस समय समझा दूंगा। तो ट्रेप क्या है, एक इंटरप्ट सिग्नल है जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है, जिसमें ट्रिगरिंग पॉजिटिव एज और या फिर एज और लेवल दोनों होती है, तो डी वाला आंसर सही है। फिर उसके बाद आता है आपका स्टेटस ऑफ एस जीरो एस वन पिन फॉर मेमोरी राइट। मेमोरी राइट के लिए इसका स्टेटस क्या होगा, मेमोरी राइट के लिए स्टेटस क्या होता है, जीरो वन होगा, क्या होगा, जीरो वन। तो मेमोरी राइट के लिए क्या होता है, वन होता है और थ्री होता है आउटपुट फेच के लिए और वन टू होता है वो मेमोरी रीड के लिए। इसकी एक टेबल है जो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे देगी, वो आप लोग देख लीजिएगा उसमें से। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मेनी ऑफ मेमोरी साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग 8085 इंस्ट्रक्शंस। कितनी मेमोरी साइकिल्स की आपको रिक्वायरमेंट है। अब मेमोरी साइकिल्स कौन कौन सी थी, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, वेट स्टेट, ये सारी मेमोरी साइकिल्स थी। अब हमें जैसे LDA 3000H, अब कॉपी में लिख लो, मैं बता रहा हूँ क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। इसमें क्या करना है, LDA लोड एक्यूमुलेटर विद द एड्रेस ऑफ विद द कंटेंट ऑफ गिवन एड्रेस, लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ गिवन एड्रेस। इस एड्रेस पे जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है उसको एक्यूमुलेटर में लोड करना है। अब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जब भी किसी रजिस्टर में या एक्यूमुलेटर में किसी मेमोरी लोकेशन से डाटा को लेके आके रखना है तो उस केस में कोई भी मेमोरी ऑपरेशन नहीं होता है। केवल वो क्या करेगा कि देखो हम क्या सोचेंगे, मेमोरी रीड होगा, वो मेमोरी रीड नहीं होता है, वहां रखना होता है। तो देखो क्या करेगा, सबसे पहले तो ऑपकोड फेच हो जाएगा, हर एक इंस्ट्रक्शन का पहला मशीन साइकिल जो होती है ऑपकोड फेच होगी, तो इसकी भी ऑपकोड फेच हो गई। फिर क्या हो जाएगी, ये लोअर बाइट को रीड करेगा, लोअर एड्रेस को और हायर एड्रेस को रीड करेगा, तो मेमोरी रीड का एक और मेमोरी रीड का दूसरा, तो एक ऑपकोड फेच और दो मेमोरी रीड, तो क्या हो गया, तीन मशीन साइकिल हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, एक्यूमुलेटर में लाके रखना है तो उसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है, ना रीड होता है ना राइट होता है। रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन से कंटेंट लेके आते हैं तो रीड राइट कुछ नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीन मशीन साइकिल एग्जीक्यूट होगी, ऑपकोड फेच और दो मेमोरी रीड की। इसमें क्या होता है, एलएक्सआई डी, डी का मतलब ये यहाँ पे डी ई पेयर की बात कर रहा है, डी ई रजिस्टर पेयर की बात कर रहा है। डी ई रजिस्टर पेयर में इस एड्रेस से कंटेंट को लाके रखना है, तो वापस रजिस्टर में कंटेंट लाके रखना है तो मेमोरी रीड राइट कुछ नहीं होगा। उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें केवल ये एड्रेस रीड करना है, ये एड्रेस रीड करना है, तो ये दो मेमोरी रीड ऑपरेशन हो जाएंगे और एक ऑपकोड फेच हो जाएगा, तो तीन मशीन साइकिल इसमें भी होगी फर्स्ट में भी और तीन मशीन साइकिल सेकंड में भी, दो मेमोरी रीड और एक ऑपकोड फेच। आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है वो कि द माइक्रो प्रोसेसर 8085 हैज 80 बेसिक इंस्ट्रक्शन एन 256 ऑपकोड। आप लोगों को ये याद रखना है, ये वाला आंसर है इसका, ये याद रखना आपको, है ना, डायरेक्ट एज इट इज याद रखना है। अब क्या कह रहा है, 13th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, कंपेयर बी। कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ए में से गिवन रजिस्टर को कंपेयर माइनस कर देता है, ए में से एक्यूमुलेटर में से गिवन रजिस्टर के कंटेंट को माइनस करता है, तो यहाँ माइनस करेगा
और वो क्या कह रहा है कि जब एक्यूमुलेटर छोटा हो बी से, अगर एक्यूमुलेटर में से बी को माइनस करना है और एक्यूमुलेटर छोटा है तो उसे ऑब्वियसली बोरो लेना पड़ेगा, तो बोरो लेते ही क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा और जीरो फ्लैग, तो रिजल्ट अगर जीरो आता है दोनों सेम होते तो सेट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपको मिल जाएगा कैरी फ्लैग तो सेट हो जाएगा, जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा रिसेट हो जाएगा। जीरो फ्लैग रिसेट इसलिए हुआ कि रिजल्ट जीरो आता है तभी वो सेट होता है, तो रिजल्ट तो जीरो आएगा ही नहीं क्योंकि एक छोटा है और एक बड़ा है, दोनों बराबर होते तभी रिजल्ट जीरो आता है। आगे बढ़ो, 14th क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इसमें ए में 82H डाल रखा है, ये 82H है, 82H को कैसे लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 1000 और 0010, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। ओ आर ए ए, किसी रजिस्टर का सेम के साथ अगर और ऑपरेशन कराते हैं तो रिजल्ट वापस एज इट इज आ जाएगा, और की ट्रुथ टेबल देखो तो 0000 सेम के साथ सेम करेंगे तो वापस रिजल्ट ए का ही आ जाता है, एक्यूमुलेटर वापस 82H ही पड़ा हुआ है। जंप ऑन क्या कह रहा है, पॉजिटिव डिस्प्ले, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो डिस्प्ले यहाँ जंप करा देना है, रिजल्ट तो यहाँ पे एमएसबी क्या है, एमएसबी 1 है तो रिजल्ट क्या है नेगेटिव है, तो उस केस में यह डिस्प्ले पे जंप नहीं होगा। अब एक्सआरए, एक्सोर ऑपरेशन कराते हैं सेम के साथ, सेम के साथ एक्सोर ऑपरेशन कराएंगे तो एक्सोर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेम कंटेंट का इनमें एक्सोर कराते हैं तो आउटपुट क्या आता है, जीरो आता है, तो ऑब्वियसली बात है जो ऊपर मैंने समझाया था, तो आउटपुट क्या रहेगा, जीरो जीरो, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, जीरो जीरो। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, विच कॉजेज द माइक्रोप्रोसेसर टू इमीडिएटली टर्मिनेट इट प्रेजेंट एक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है इंटरप्ट सिग्नल, इंटरप्ट सिग्नल क्या करता है, जो नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है माइक्रोप्रोसेसर का उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, तो किसी भी नॉर्मल ऑपरेशन को ब्रेक करने का काम कौन करता है, इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ अभी कोई बुलाने आ गया तो इंटरप्ट है, तो इंटरप्ट क्या करता है नॉर्मल ऑपरेशन को ब्रेक कर देता है, तो वो इंटरप्ट सिग्नल है। तो 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, मैं ये मानता हूं कि आप लोगों ने कॉपी पेन साथ में रखा होगा, अगर कॉपी पेन साथ में नहीं रखा है तो वापस कॉपी पेन उठाइए, वापस रिवाइज कीजिए वीडियो को और सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग लिख लिए क्योंकि एग्जाम में काफी काम आने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट्स है। तो आगे वाले लेक्चर के लिए, आगे के 15 क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, यहाँ तक आप लोगों ने मुझे देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और के साथ शेयर कर, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप लोगों का धन्यवाद।